नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हिमाचल सरकार को इंडिया टुडे द्वारा प्रदेश की बेहतर उपलब्धियों और विकास के लिए दिया गया पुरस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उड्डयन मंत्री अजीत सिंह से प्रदेश की हवाई सेवाओं को शुरू करने का किया आग्रह। चंबा में लकड़ी तस्करों पर कसा गया शिकंजा, देवदार की लकड़ी सहित 3 लोग और गाड़ी हिरासत में। और सुंदरनगर में लगी हिमबुर्कर की प्रदर्शनी, 19 तारीख तक खरीद पाएंगे हस्तनिर्मित ऊनी वस्त्रों की विस्तृत रेंज। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार की उपलब्धियों में एक और पुरस्कार जुट गया है। देश की प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे ने हिमाचल प्रदेश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और बेहतर विकास दर के लिए प्रदेश को प्रथम आंका है, जिसके चलते राज्य को पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री धूमल ने इस पुरस्कार को प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। वीरवार को मुख्य सचिव सुदीप्त राय ने प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए मिले पुरस्कार को मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को प्रदान किया। हिमाचल प्रदेश को यह 73वां पुरस्कार मिला है। चुनाव आचार संहिता के चलते प्रदेश को मिले इस पुरस्कार को मुख्य सचिव सुदीप्त राय ने बीती 1 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार से प्राप्त किया था। चुनाव समाप्त होने के बाद अब मुख्य सचिव ने इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है और राज्य देश में आदर्श बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने गत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के 6 दर्जन से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो कि इन वर्षों में प्रदेश द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों का प्रमाण है। प्रोफेसर धूमल ने पुरस्कार को प्रदेश की जनता को समर्पित करते हुए कहा कि इन सभी उपलब्धियों के हकदार राज्य के लोग हैं। उन्होंने प्रदेश की इन उपलब्धियों के लिए प्रदेश सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। याद रहे कि इंडिया टुडे प्रबंधन ने प्रदेश की उपलब्धियों और बेहतर विकास दर बनाए रखने के लिए प्रदेश को यह पुरस्कार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह से प्रदेश में हवाई सेवाओं को शुरू करने का आग्रह किया है। ज्ञात रहे कि हिमाचल प्रदेश में किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानें चलती थी, लेकिन किंगफिशर की उड़ानें रद्द होने के कारण प्रदेश में अब हवाई सेवाएं ठप पड़ी हुई है। उड्डयन मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने वीरवार को केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह से मुलाकात कर एयर इंडिया या अन्य किसी एयरलाइंस की हिमाचल के लिए हवाई सेवा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिमला, कुल्लू व कांगड़ा के लिए किंगफिशर की उड़ानें चलती थी, परंतु किंगफिशर की उड़ानें रद्द होने की वजह से यहां की उड़ानें भी बंद हो गई। इस वजह से घरेलू व्यापारिक व पर्यटकों को इससे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वीरभद्र सिंह ने चौधरी अजीत के ध्यान में लाया कि शिमला की हवाई पट्टी को 500 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है और कुल्लू की हवाई पट्टी का भी विस्तार हो सकता है, जिससे यहां बड़ी उड़ानें भी आसानी से उतर सकती हैं। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही वह उच्च अधिकारियों के साथ विचार करेंगे ताकि हिमाचल में हवाई सेवा निरंतर चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। लकड़ी तस्करों पर शिकंजा कसते हुए वन विभाग चंबा रेंज की टीम ने देवदार की लकड़ी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रात के अंधेरे में लकड़ी साहो की तरफ से चंबा लाई जा रही थी। वन रक्षक द्वारा अधिकारियों को सूचना देने पर कार समेत चोरों को कब्जे में ले लिया गया है। चंबा में वन विभाग रेंज की टीम द्वारा 4 नग देवदार की लकड़ी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रात के अंधेरे में यह लकड़ी साहो की तरफ से चंबा ले जाई जा रही थी कि चंबा से 7 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर वन विभाग को इस लकड़ी तस्करी का पता चला। वन विभाग के रेंज अधिकारी वेद व्यास ठाकुर ने बताया कि उनके वन रक्षक सुनील द्वारा सूचित किया गया कि मारुति कार में अवैध तस्करी कर लकड़ी लाई जा रही है। अधिकारी ने बताया कि टीम सहित गाड़ी का पीछा किया गया और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। मेरे जो फर्स्ट गार्ड श्री सुनील कुमार जी हैं, जो चेक पोस्ट लुडेरा पे तैनात थे रात को,
उनका मेरे को ठीक 9 बजे फोन आया कि सर यहाँ से एक मारुति गाड़ी में लकड़ी आ रही है, तो आप फटाफट अपने स्टाफ के साथ आ जाएं। और इन्होंने मेरे से पहले जगजीत जी को भी फ़ोन किया और मैंने भी कर दिया कि ऐसे सुनील जी का फ़ोन आया और आप चलें। और हमने एकदम 5-7 मिनट में हम वर्दी डाल के पहुँच गए, गाड़ी को हाथ दिया और गाड़ी वहाँ उन्होंने रोकी नहीं। और जैसे गाड़ी निकल गई, मेरे पास भी स्कूटर था, इनके पास भी स्कूटर था और मोटरसाइकिल, हम लेकर दौड़े और ये गाड़ी लेकर घोरटी नाम स्थान है उस सरौल में अंदर को ले गए। और हमने इनको अपने उस ये जो अपने ड्राइवर है इनका नाम क्या नाम है लोकिंदर, जो कि इस गाड़ी के ऑनर भी है, एक ये थे चला रहे खुद और साथ में दो मुलजम क्या प्रीतम और देवी सिंह। और जैसे भी मैंने उनको अपने कब्जे में किया और मेरे साथ आ गए। अधिकारी ने बताया कि कार में 4 नग देवदार के बरामद किए गए हैं, जो करीब 13 फुट है और बाजार में जिनकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है। जिसमें से 4 ठेलियां आप देख रहे हैं देवदार की, फ्रेशी लग रही है और हमने पकड़ी और तहकीकात जारी है। अब इनसे हमने बॉन्ड मुचलका करके खुद ही केस तैयार कर रहे हैं और इंक्वायरी के बाद जो भी होगा बाद में हम देखेंगे। अधिकारी ने बताया कि लकड़ी तस्करों को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ वन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पालमपुर में शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर बनाए गए स्मारक व वन विहार की जनता खामियां तराश रही है। जी हां, कारगिल के युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर बना यह पार्क केवल नाम मात्र का ही रह गया है। प्रशासन ने वन विहार तो बना दिया पर लोगों को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं बना पाया। पालमपुर में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर सौरभ वन विहार नाम का एक पार्क बनाया गया है, जिसमें एक झील बनाकर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके अलावा यहां पर और किसी भी प्रकार का आकर्षक कार्य नहीं किया गया है, जिससे जनता अब इस पार्क से उब चुकी है। जनता का मानना है कि यहां पर बैठने का उचित स्थान नहीं है। जिस तरह से इस पार्क का विकास होना चाहिए था, ऐसा यहां पर कुछ नहीं हुआ है। इस पार्क में बहुत सी कमियां हैं, अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो इस पार्क को अच्छी तरह बनाया जा सकता है। जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। क्या कमी आपको नजर आती है इस पार्क में? कमियाँ तो बहुत सी हैं। जब हम 3 साल पहले आए थे तो उस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बननी चाहिए थी, नहीं बनी, लेकिन बीच में जो है थोड़ा सा विकास हुआ है उसमें। जैसे ये स्विमिंग पूल बन गया है और बाकी थोड़े से और डेकोरेशन हो गई है इसमें, तो कि और इसका विकास हो तो अच्छी बात है। क्या लगता है कि एक आम पर्यटक को बैठने के लिए कोई उचित स्थान है यहाँ पर, ये बैठने की व्यवस्था है? नहीं है, कम से कम बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड तो होना चाहिए। विकसितता तो नहीं है इसमें अभी, बहुत सारी खामियां भी हैं। क्या मानते हैं जो शांता कुमार का सपना दिया गया था कि शांता कुमार का सपना है इसको साकार हो चुका है, कई अखबारों में छप गया है, तो लगता है कि उस हिसाब से ये शहीद के नाम पे बना है, लगता है? जी नहीं। वहीं पार्क में आए बच्चों का कहना है कि यहाँ पर जगह जगह पर पत्थर पड़े हुए हैं और बैठने की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कैसा लगता है आपको आज आप शहीद सौरभ कालिया के जो नाम पे स्मारक बना यहाँ पर आए हैं, कैसा लगता है आपको? सब बहुत अच्छा लगता है। देशभक्ति की कितनी आपको उम्मीद लगती है? सब बहुत। क्या लगा आपको, कैसा लगता है सौरभ वन विहार, बैठने की, उठने की या खेलने की जो भी व्यवस्था होती है बच्चों के लिए, कैसी है वो? सर बैठने की थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं है सर, यहाँ पर बैठने की जगह अच्छी तरह नहीं है सर, यहाँ पर कांटे बहुत हैं और सर यहाँ पत्थर भी बहुत हैं, फिर खेलने की व्यवस्था ठीक नहीं है और झूले वाला है। इसको पार्क ना कहा जा सके ऐसा? आप देख रहे हैं कि शहीद कैप्टन सौरभ के नाम पर बनाए गए इस पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान दे तो इस पार्क की सुंदरता में 4 चांद लग सकते हैं और इस पार्क में आने वाले लोग इसकी सुंदरता और व्यवस्था का बखान करते हुए नजर आएंगे। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज।
ड्यूक श्रीमान मैट्रेस, आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिम मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड फिन एट गुरुकृपा, विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। ऑफर वैलिड फ्रॉम 16th अक्टूबर टू 13th नवंबर 2012 ऑन एवरी परचेज। विन एक्साइटिंग प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज चूल्हा, चिमनी एंड ओवन। सेकंड प्राइज लगेजेस। थर्ड प्राइज क्रॉकरी सेट। फोर्थ प्राइज राइस कुकर। फिफ्थ प्राइज पेन सेट। 18 कॉन्सोलेशन प्राइजेस। 10 कैसरोल सेट्स। 5 ग्लास सेट्स। 2 स्टीम आयरन। 1 राइस कुकर। For more detail, please contact Gurukirpa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, Shop No. 94, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, Shop No. 95, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए अच्छे बीजों के साथ साथ फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी होना भी अनिवार्य है, लेकिन बैजनाथ उपमंडल के किसानों को बिना पानी के खेती करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैजनाथ उपमंडल में 2 बड़ी कूलें हैं जिनकी मरम्मत का कार्य जारी है, लेकिन विभाग के सुस्त रवैये का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बैजनाथ उपमंडल में 2 बड़ी पंचायतें चरणामती और लोअर बैजनाथ नामक से 2 बड़ी कूलें हैं। बैजनाथ की अधिकतर पंचायतों में सिंचाई की पूर्ति इन कूलों के सहारे की जाती है, लेकिन कुछ महीनों से इन कूलों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यह काम पिछले कई महीनों से जारी है। विभाग के सुस्त रवैये के कारण उन्हें खेती करने में परेशानी आ रही है। किसानों का कहना है कि वे इस बारे में कई बार विभाग से शिकायत कर चुके हैं। कितने महीने हो गए कूल नहीं आ रही है। 5-6 महीने हो गए। 3 महीने में एक बार रात को आई थी, बस कूल गेहूँ बीजने तो कैसे बीजने हमने। कूल नहीं आ रही, कई दिनों से कूल नहीं आ रही। हमारे खेती बाड़ी के लिए प्रॉब्लम हो गई है, मैंने कुछ हम बीज नहीं सकते हैं, ना पानी है ना कुछ है। 2 महीने हो गए और कूल जो उसकी हालत खस्ता है और कोई इसका प्रावधान नहीं है। असा SDO साहब के पास भी रिपोर्ट की और उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या पता क्या होना क्या नहीं होना, कूल ही नहीं मिल रही, पानी नहीं है, तो कैसे हम फसल को बीजेंगे, कैसे सिंचाई करेंगे, कैसे क्या होगा। वहीं सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता दलेर सिंह चौधरी ने कहा है कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। चौधरी ने कहा है कि वे किसानों को ज्यादा जरूरत पड़ने पर पानी उपलब्ध करवाते हैं, जिस कारण कूल के मरम्मत के कार्य में देरी हो रही है। AIBP हेड में आई है, पैसा AIBP हेड में आया हुआ है, तो 31 मार्च तक हमें इसको कंप्लीट करना है। और जैसे जैसे बीच में किसानों को अगर जरूरत पड़ती है पानी की तो देते रहेंगे, पर हमारा मेन फोकस यही है कि भाई कंप्लीशन पर है। कंप्लीशन होने के बाद ही दे पाएंगे पानी ना, बीच बीच में चलो थोड़ा काम बंद कर लिया करेंगे। जैसे कई बार किसानों को ज़्यादा जरूरत होती है तो वो हम बीच में चलो बंद ही कर लेंगे, लेकिन ये कि ज़्यादा मतलब कोशिश करेंगे हम लोग कि भाई चलो कंप्लीशन पर ज़्यादा ध्यान। तो काम तो डिले होता जा रहा है लगातार, ऐसा लग रहा है। तो डिले ऐसे तो डिले होता ही होगा। ये जैसे हम काम करते हैं, ये कर रहे हैं, बीच में किसान लोग आ जाते हैं, पानी छोड़ो जी, तो उस वजह से डिले हो रहा है। अदरवाइज मतलब एक फ्री हैंड दे रहे हैं कि नहीं आप करो, तो हम मतलब दिन रात एक करके करें कि उस स्तर पर। विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही कूल के कार्य को पूरा करेंगे। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।
कुल्लू में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस विज्ञान मेले में जिला के 40 स्कूलों से आए करीब 200 बच्चे भाग ले रहे हैं। विज्ञान मेले का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक कुल्लू अशोक कुमार ने किया। विज्ञान मेले को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के भीतर विज्ञान के प्रति छुपी रुचि को उजागर करने से है, ताकि उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। कुल्लू जिला के 21 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में एक विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस विज्ञान मेले में जिला कुल्लू के 40 स्कूलों के 200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस विज्ञान मेले में स्कूली छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर पेश किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल्स को देख बच्चों को उत्साहित किया और बच्चों के प्रोजेक्ट्स में बेहद रुचि दिखाई। तो वहीं मेले में भाग ले रहे विद्यार्थियों में इस मेले को लेकर काफी उत्साह दिखा और बच्चे अपने अपने मॉडल्स की विस्तृत जानकारी देने में भी बेहद उत्सुक दिखे। मैं यहाँ पे मॉडल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आई हूँ। मॉडल है हमारा एक वॉशिंग मशीन, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज फ्री में होती है, बहुत लो कॉस्ट है, टाइम सेविंग और सोप सेविंग है। इसके साथ जो मैं प्रोजेक्ट लाई हूँ वो है कि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट इज़ अ साइलेंट किलर। उन्हें सब बूंद मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट गुड। तो उनके जो डिमेरिट्स हैं उन्हें मैं इस प्रोजेक्ट में सामने लाई हूँ और साथ ही साथ उनके लिए एक सॉल्यूशन लाई हूँ, नैनो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट। वो मेरा प्रोजेक्ट है और ये मेरा मॉडल है वॉशिंग मशीन। गौरतलब है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस विज्ञान मेले में भाग ले रहे प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को राज्य स्तर के कार्यक्रमों में भेजा जाएगा। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। देखिए जरा किसमें कितना है दम। संगीत की प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाला आपका अपना मंच वॉइस ऑफ हिमालयाज। अगर आप में संगीत की प्रतिभा छिपी है तो एक शानदार मौका। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में सुरों का महासंग्राम वॉइस ऑफ हिमालयाज 5 नवंबर से ऑडिशन शुरू। कौन होगा अगला वॉइस ऑफ हिमालया? तैयार हो जाइए, ऑडिशन स्टार्ट 5 नवंबर। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहां उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहां एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
सुंदरनगर शहर में नगर परिषद कार्यालय के सामने जवाहर पार्क में हिमबुरकर द्वारा हथकरघा से निर्मित वस्त्रों की बिक्री एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में खरीदारी करने पर 10% की विशेष छूट का प्रावधान भी रखा गया है। यह प्रदर्शनी आने वाली 19 तारीख तक जारी रहेगी। सुबह से शाम तक खरीदारी का आनंद उठा सकेंगे। हिमबुनकर द्वारा सुंदरनगर में सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऊनी वस्त्रों से सुसज्जित एक प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी एवं बिक्री में प्रदेश की विभिन्न सहकारी सभाएं हाथों से निर्मित वस्त्रों की विस्तृत रेंज लेकर आपके घर द्वार पर पहुंची हैं। सुंदरनगर में नगर परिषद कार्यालय के सामने जवाहर पार्क में लगी प्रदर्शनी में आपको नए रंगों और नए डिजाइनों के कुल्लू शॉले, टोपियां, जैकेट्स, मफलर, स्टॉल व अन्य हथकरघा से निर्मित वस्त्रों की खरीदारी करने का मौका मिलेगा। प्रदर्शनी एवं बिक्री में खरीदारी पर सभी को 10% की वास्तविक छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। इस तरह के एग्जीबिशन ये जो हिमबुनकर है और कुल्लू शॉल है या कोई और भी एग्जीबिशन है, बहुत सारे ऐसे हिमाचल के अपने हमारे हिमाचली लोग ऐसी एग्जीबिशनें लगाते हैं और हमारी प्रांतों की अलग अलग जिलों की संस्कृति को उजागर करते हैं। इसमें पूड़ा, ढाटू, पट्टू, बास्कट और पश्मीना शॉल, ऊनी शॉल, अंगूरा शॉल, ऐसे इसी तरह से बहुत सारे उत्पाद जो हैं ये लेके आते हैं और हमारे सामाजिक जो हमारा परिदृश्य है उसमें इनका बहुत ही महत्व है और ये हिमाचल के संस्कृति को बचाने में भी बहुत सहायक हैं। देश विदेशों में इनकी बहुत मांग है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों से जुटाए हुए उत्पाद हैं। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, इनमें कोई सिंथेटिक या कोई बाहर की ऐसी चीज़ें नहीं इनमें शामिल की जाती। इस उत्पाद में कोई ऐसे चीज़ें नहीं डाली जाती जिससे आदमी के शरीर को कोई नुकसान पहुंचे। 7 तारीख से शुरू हुई प्रदर्शनी में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आकर हथकरघा एवं हस्तनिर्मित वस्तुओं को देखकर उनकी खरीदारी में जुटे हुए हैं। नगर परिषद भी हिमबुनकर को इस कार्य के लिए भरपूर सहयोग कर रही है। ये हिमबुनकर की ओर से है, ये सेल लगी हुई, इसमें रिबेट भी दिया जाता है और ये हमारे नगर परिषद में लगी हुई है कमेटी के पास ही, और इसके लिए लोगों को बड़ी भारी सुविधा है। हर साल लगती है ये और लोगों को अपने घर में ही जैसे सारा सामान मिल जाता है और 10% इसकी छूट दे रहे हैं ये, और इससे लोगों को बड़ा फायदा है। और म्यूनिसिपल कमेटी कैसे हेल्प कर रही है इसमें? इसमें हमने ये इनको ये जगह दी हुई है और हर साल लगाते हैं ये, और इससे बड़ा फ़ायदा रहता है, हमारी कमेटी को इनकम भी हो जाती है तो और इनको भी सहूलियत मिलती है। ये बहुत अच्छी जगह पे लगी हुई है सेल। याद रहे कि हिमबुनकर के साथ इस वक्त करीब 90 सोसाइटियां जुड़ी हुई हैं। 90 सोसाइटियों के सैकड़ों लोग अपने घर पर ही हस्तनिर्मित वस्तुओं को तैयार करते हैं और हिमबुनकर इन सोसाइटियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करती है। हिमबुनकर इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन न सिर्फ प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी करती है। 90 मेंबर सोसाइटी है, उनमें से 11 जो है यहाँ पे भाग ले रही हैं। ये पूरा साल भर अपना माल बनाते हैं, इनके पास माल बेचने के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं होता है, इसलिए हिमबुनकर ऐसी जगह जगह पे इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन करती है और इसमें ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है। इसमें हाथ से निर्मित सभी प्रकार के उत्पाद जो है बेचने के लिए रखे गए। 7 नवंबर से शुरू हुई प्रदर्शनी आने वाले 19 नवंबर तक जारी रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं ऊनी वस्त्रों की एक अच्छी वैरायटी खरीदना तो जवाहर पार्क पर लगी हिमबुनकर की प्रदर्शनी आपका इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहे के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।